गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने की तैयारी। और नाश्ते में मैं आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ आलू के पराठे। तो मेरे पास ये चार ही आलू थे बॉईल किए हुए, तो उसके साथ मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे प्याज ले लिए हैं। तो जितने मेरे पास आलू थे लगभग उसी के इक्वल यहाँ पर मैंने प्याज लिए थे, दो तीन बड़े साइज़ के। और उनको मैंने चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया था ताकि स्टफिंग बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर मोटे मोटे प्याज होते हैं तो स्टफिंग थोड़ा सा निकलने लग जाती है, तो इसलिए मैंने चॉपर में कर लिया था। और जो आलू है उसको भी मैंने कद्दूकस में कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से मैश कर सकते हैं या जो पोटैटो मैशर आता है उसमें कर सकते हो। कद्दूकस में करने से जो आलू है वो अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, आलू और प्याज भी। उसके साथ यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, और मसाले मैंने दो तीन ही डाले हैं मेनली। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने हींग डाला। और उसके साथ मेरे पास ये एक मसाला है जो कि मैंने थोड़े से साबुत मसालों से बनाया हुआ है, वो मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच। और इस मसाले का पराठों के अंदर या किसी भी सूखी सब्जी के अंदर बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो सारी स्टफिंग को और मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। उसके बाद यहाँ मैं तैयारी करूँगी अब पराठे बनाने की। तो आलू के पराठे हर किसी के फेवरेट होते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलू के पराठे अच्छे ना लगते हों। तो यहाँ पे आलू के पराठे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती है जब पराठों को बनाते यानी कि बेलते टाइम थोड़े से ट्रिक ना यूज की जाए। तो जब भी आप कोई भी स्टफ पराठे बनाते हैं तो उसकी स्टफिंग डालने के बाद आपकी जो पराठा है उसको आप हाथों से इस तरीके से फैलाइए, एकदम से आपको बेलन नहीं लगाना। इस तरीके से फैलाने के दो फायदे होते हैं, एक तो जो आपने स्टफिंग डाली है अंदर वो पराठे के हर कोने में इक्वल बट जाती है, और दूसरा अगर आप डायरेक्ट बेलन चलाते हैं पराठे के ऊपर तो जो स्टफिंग है वो एकदम से बाहर निकल जाती है और बीच में पराठा यानी कि बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खाली हो जाता है, उसमें स्टफिंग नहीं बचती। तो पराठों में वो टेस्ट नहीं आता, स्टफिंग कहीं होती है और कहीं खाली पराठा होता है, मतलब उसके अंदर स्टफिंग नहीं होती कहीं कहीं। और दूसरा, एकदम बेलन लगाने से स्टफिंग एकदम बाहर निकलने का भी डर होता है। तो कभी भी कोई भी स्टफ पराठा बनाते हुए आप उसको पहले हाथों से फैला ले, हाथों से उसको प्रेस कर ले हल्का हल्का, और जब बेलन आप यूज़ करें तो बहुत आपको लाइटली करना है, ज़रा सा भी आप प्रेस करेंगे तो स्टफिंग बाहर निकलने लग जाती है। और उसके बाद जब आप किसी भी पराठे को सेकते हैं तो फ्लेम को आप हमेशा मीडियम ही रखें ताकि पराठा दोनों तरफ से अच्छा सिके, लाल लाल क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे मेरा पहले वाला पराठा बनके तैयार हो चुका है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। और सुबह सुबह अगर इस तरीके के लाजवाब पराठे आपको खाने को मिल जाए तो आपका पूरा दिन बन जाता है। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, हम लोगों ने भी कर लिया है, और उसके बाद ये है सुबह का नाश्ता बनाने के बाद किचन की हालत। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन।
तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा, और यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं जो कि नाश्ता बनाने में यूज़ हुए हैं वो मैं सारे इकट्ठे करके सिंक में डाल दूँगी। और आजकल गर्मी है तो बर्तन अगर आप थोड़ी देर भी ऐसे ही छोड़ देते हैं खाना बनाने या खाने के बाद तो वो सूख जाते हैं, तो थोड़ा सा देर में उनको पानी में भिगो दूँगी। और तब तक मैं अपनी जो गैस स्टोव है, किचन काउंटर है, वो क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले सुबह की चाय के कुछ बर्तन वगैरह धुले हुए रखे थे, और एक दो डिब्बा जो खाली हुआ था सामान का, उनको भी मैं साथ के साथ वॉश करती रहती हूँ, तो उनको मैं लगा दूँगी उनकी जगह पे। और उसके बाद ये जो गैस स्टोव है इसको मैं क्लीन करूँगी। तो गैस स्टोव को मैं दिन में एक या दो बार इस तरीके से जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है उससे साफ़ करती हूँ, हर बार नहीं करती, सुबह में कर देती हूँ और एक बार रात को सोते टाइम करती हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप अपना गैस वगैरह साफ़ करते हैं काउंटर, तो जो बैक एरिया होता है गैस के पीछे की जो दीवार होती है उस पे हमेशा आप थोड़ा सा हाथ मार लें, मतलब थोड़ा सा उसको भी क्लीन कर लें, ताकि जो खाना बनाते हुए तेल या घी के छींटे गए हैं दीवार पे वो साथ के साथ हो जाए। अगर आप सोचते हैं कि डीप क्लीनिंग के टाइम हम इनको साफ़ करेंगे तो फिर वो जम जाते हैं, उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो अगर आप डेली की डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपका ही काम कम हो जाएगा। तो यहाँ और जो गैस बर्नर होते हैं तो खाना बनाते हुए ये थोड़ा सा इन पे जो जले हुए निशान हो जाते हैं, या कभी कभी हमारा दूध चाय वगैरह अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके कारण भी ये थोड़ा सा जले हुए धब्बे इन पे आ जाते हैं। तो इनको आप एक बार स्क्रब कर ले, या तो जो स्टील वूल आता है उससे, या कोई ब्रश वगैरह आप ले लें। और स्टैंड वगैरह को मैं मॉर्निंग में नहीं धोती है, उनको सिर्फ रात को ही वॉश करके रखती हूँ, जो गैस स्टैंड होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना गैस स्टोव साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो किचन काउंटर है उसको भी मैं इसी तरीके से क्लीन कर लूँगी। और आज मुझे जो लंच है उसमें कढ़ी बनानी थी, तो कढ़ी को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना के रख देती हूँ, जब तक मेरे किचन की क्लीनिंग का काम होगा तब तक कढ़ी भी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो पकोड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बना ली है, और कढ़ी मैं ऑलरेडी तड़का लगा चुकी हूँ। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। बर्तन वगैरह भी मेरे हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से गर्म पानी में अपने जो किचन टॉवल्स हैं जो कि एक दो दिन के अंदर यूज़ होते हैं, वो थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे गर्म पानी में थोड़ी देर सोख होने के लिए रख दूँगी। और जब भी आप बर्तन क्लीन करते हैं तो दिन में कम से कम एक बार आपका जो सिंक एरिया है आप उसको भी साथ के साथ साफ़ कर ले, ताकि पानी के जो दाग धब्बे बैकग्राउंड में अगर आपके लग जाते हैं तो वो साथ के साथ साफ़ हो जाए। और हमारे यहाँ का पानी बहुत हार्ड वाटर है, एकदम खारी पानी, तो टाइल्स वगैरह पे उसके दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर इसको डेली में साफ़ ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा गंदे लगने लग जाते हैं। तो दिन में एक बार मैं कम से कम इसको इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा दाग धब्बे ना हो पाए टाइल्स के ऊपर।
और जो किचन टॉवल्स होते हैं उनको हमेशा अलग से ही वॉश करना चाहिए। बाकी जो हमारे कपड़े होते हैं जो हम मशीन वगैरह में धोते हैं उनके साथ आप किचन टॉवल्स को ना धोएं, क्योंकि किचन टॉवल्स के अंदर अलग ही थोड़ी सी चिकनाई वगैरह होती है जो आपके डेली के कपड़ों पे अगर लग जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं इस तरीके से वॉश करने में। तो आप रेगुलर जब भी आप धोते हैं 1 दिन में 2 दिन में तो आप इस तरीके से अलग से ही इनको वॉश करें और ये आसानी से गर्म पानी में साफ भी हो जाते हैं। और मेरा जो ये फ्राई पैन है जिसमें मैं सारे किचन टॉवल वॉश कर रही हूँ, ये 2-3 दिन पहले मेरे हाथों से गिर गया और इसका हैंडल टूट गया, तो इसका हैंडल मुझे लगवाना है। बट अभी लॉकडाउन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, फिर मुझे इसका नया हैंडल भी लगवाना है। तो मेरे सारे किचन टॉवल्स अच्छे से वॉश हो गए हैं, अच्छे से साफ पानी में मैंने इनको 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। और उसके बाद मेरा सबसे लास्ट काम रहता है जो मेरा सिंक है उसको भी अच्छे से क्लीन करना। तो जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं तो आप अपना जो सिंक है उसको भी उसी तरीके से एक बार साफ कर दें जिस तरीके से आप किसी बर्तन को करते हैं, तो इससे आपका जो सिंक है वो साफ भी रहता है, दूसरा जो पेस्ट वगैरह होते हैं घर में वो भी कम आते हैं। तो मैं हर बार करती हूँ। और दूसरा जो ये स्क्रब वगैरह होते हैं इनको भी एक बार अच्छे से वॉश कर दे ताकि उनमें कोई भी स्मेल ना रहे। तो यहाँ पे मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है और यहाँ पे कढ़ी भी मेरी लगभग पक चुकी है, तो मेरा लंच का भी थोड़ा काम साथ के साथ निपट गया है। अभी मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने, क्योंकि कपड़े मेरे धुल चुके थे, मशीन लगाई थी। तो मौसम बिल्कुल ऐसा हो चुका है बारिश वाला और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब गर्म हवा नहीं है। और दोपहर के लगभग टाइम है तो हवाएं गर्म होने के बजाय ठंडी है और ज़ोर से बादल भी गरज रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली है। पता नहीं बारिश आएगी या नहीं, क्योंकि कई बार जब हवा चलती है ना तो बारिश का मौसम होने के बाद वो हवा जो बादल है ना बारिश वाले वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। तो बारिश का तो अभी पता नहीं, पर मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया है ठंडा ठंडा। और 2 दिन से थोड़ी सी कम गर्मी है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने दिन में पूरा दिन एसी नहीं चलाया, ठीक ठाक मौसम था, हवा पंखे की हवा ठीक लग रही थी। और आज भी नहीं चलाया अभी तक, कल रात को थोड़ी बहुत देर चलाया था, उसके बाद 1 घंटे में बंद कर दिया था, फिर दोबारा नहीं चलाया। तो 2 दिन से थोड़ी सी गर्मी कम है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है, शायद कहीं ना कहीं बारिश हुई है इस वजह से। तो आज हमारे यहाँ भी बारिश वाला मौसम हो गया है, तो देखते हैं बारिश आती है या नहीं। तो कपड़े अब मैं अंदर ही सुखाऊंगी क्योंकि अब भरोसा नहीं है, बाहर डालने का कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।